प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के शासन में जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, उस पर से महंगाई की मार ये जनता पर दोहरी मार है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार आम आदमी के पेट में लात मार रही है। रागिनी नायक ने कहा, प्याज भाजपा को अब खून के आंसू रुलाएगी। मध्य प्रदेश में बढ़ती प्याज की कीमत आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता खासी परेशान है। वहीं सरकार द्वारा महंगाई को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के शासन में सिर्फ प्याज नहीं, हर चीज महंगी है। प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में, और अब प्याज की महंगाई शुरू हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, ऊपर से महंगाई की मार ये जनता पर दोहरी मार है। अब प्याज भाजपा को खून के आंसू रुलाएगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार आम आदमी के पेट में लात मार रही है। देखिए, प्याज ना भाजपा को अब खून के आंसू रुलाने वाली है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इतनी महंगाई की मार है और उसके बाद बेरोजगारी भी चरम पर है, ये दोहरी मार है। 39 लाख नौजवान बेरोजगार है, हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि त्यौहार का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं जब टमाटर 200 रुपये किलो हो जाता है, प्याज 80 रुपये किलो हो जाती है, तो ये आम आदमी के पेट पर लात मारने वाली बात है। जो शिवराज सिंह की सरकार और मध्य प्रदेश से बाहर की भी बात करें तो केंद्र सरकार जो कि एक लाभ दे सकती थी, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, और जनता के पेट पर जब लात पड़ती है तो जनता कभी माफ नहीं करती। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी। हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।